Hello everybody, how are you? I hope you all are fit and fine at home. I am your teacher, Mrs. Ravina Chetnani. Welcome to our channel. Good morning all of you. Do you get anything? Yes, I am talking about our good morning poem in my last video. Okay. Have you done all the exercises about the good morning poem in your notebook? Very good. Here we are going to read about the chapter of the magic garden, means Jadui Bagija. In this lesson, we are going to know about the roses in the garden, sunflowers, marigold, poppies and pansies. What these flowers are talking about the children, about a little tiny bird and the sun. What are they talking about the children? And what are the children doing in the garden? I hope you would love this chapter, and I'm sure you will all wish to know about the story. Come, let me teach you the story, The Magic Garden. Hello everybody, good morning, how are you? Today we'll be learning the chapter of English, The Magic Garden, means Jadui Bagicha. The magic garden was in a school playground, means Jadui Bagicha school ke maidan mein tha. It was very pretty. It means they are mentioning the magic garden. It was very pretty. Pretty means sundar. Sunflowers and roses stood high against the wall. Sunflowers or roses, they high against the wall. Matlab, deewar tak wo flowers the. There were also marigolds, poppies and pansies. And the other flowers were marigold, poppies and pansies. Next paragraph. The sunshine fell on this garden more than on any other garden, and the flowers danced and sang happily. Jo suraj ki roshni thi is garden pe jyada thi, aur yahan flowers dance or singing. They said to one another, ye aapas mein baat kar rahe the, we have hundreds of little gardeners. Flowers kya bol rahe the, हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ छोटे छोटे गार्डनर्स हैं. गार्डनर्स मीन्स माली. दे वेर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल. ये फ्लावर्स किसके बारे में बात कर रहे थे? यस, दे वेर द चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल हु वेर द लिटिल गार्डनर्स. थर्ड पैराग्राफ. वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वेर टॉकिंग टू द बर्ड्स. वन सनी मॉर्निंग तुमको पता ही है. द फ्लावर्स किससे बात कर रहे थे? यस, बर्ड्स से. क्या बोल रहे थे? आई लव ऑल द चिल्ड्रेन. आई लव ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल, बट आई लव द डियर लिटिल वन मोस्ट ऑफ ऑल. पर मुझे सबसे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं. किसने बोला? पॉपी फ्लावर ने. आई लाइक दैट दे ब्रिंग दिया वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स. मुझे क्या पसंद है? वो अपने कैंस में वाटर लेके आते हैं और मेरे थर्स्टी रूट्स मतलब प्यासे जड़ों को पानी देते हैं. किसने कहा? फ्लावर्स ने. यस, सेड द मेरीगोल्स. मेरीगोल्स ने भी कहा, यस, ये बात तो सही है. द चिल्ड्रेन आर गुड टू अस टू. बच्चे
हमसे भी बहुत प्रेम करते हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल, दे मतलब चिल्ड्रेन क्या करते थे, डिग द ग्राउंड मतलब ग्राउंड में खड्डा खोदते थे अच्छी तरह से। ओके, फ्रॉम दिस वन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड, ओके, एंड इट वॉज वेरी प्रिटी। हाउ मनी फ्लावर्स वेर देयर, सनफ्लावर्स, रोसेस, मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पैंसीज। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मीन्स सूरज की रोशनी इस गार्डन पे ज़्यादा पड़ रही थी, और फ्लावर्स दे वेर डांसिंग एंड सिंगिंग वेरी हैप्पीली, एंड व्हाट दे टोल्ड, यस वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, एंड हु वेर दे वेर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, एंड वन सनी मॉर्निंग फ्लावर्स दे वेर टॉकिंग टू द बर्ड्स। फ्लावर्स किसके साथ बातें कर रहे थे, राइट, बर्ड्स से क्या बोल रहे थे, कि वी ऑल लव द चिल्ड्रेन, और सबसे छोटे बच्चे वो मुझे बहुत पसंद है। किसने कहा, पॉपी ने। देन व्हाट दे टोल्ड, दीज चिल्ड्रेन कैरी द वाटर इन देयर कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स मीन्स दे वर वाटरिंग देयर थर्स्टी रूट्स। इवन मैरीगोल्ड ऑल्सो सेड यस द चिल्ड्रेन आर वेरी गुड टू अस, मतलब वो भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। व्हाट दे डू, दे डिग द ग्राउंड सो वेल मीन्स वो ग्राउंड में खड्डा खोदते हैं बहुत अच्छी तरह से। ओके एवरीबॉडी, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, वी लव द लिटिल चिल्ड्रेन सेड अ टाइनी बर्ड। वी मतलब हमें छोटे बच्चे बहुत पसंद है। किसने कहा, छोटी सी बर्ड ने। दे आर काइंड एंड दे फीड अस, क्या कहा बर्ड ने, चिल्ड्रन बहुत काइंड है और वो हमें खाना खिलाते हैं। ऑल द फ्लावर्स सेड, सारे फूलों ने कहा, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी, हमें काफ़ी मेहनत करनी होगी ताकि हमारे ड्रेसेस बहुत प्रिटी लगे। फॉर द चिल्ड्रेन विल बी हियर सून, क्योंकि बच्चे यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं। द सन सेड, सन ने क्या कहा, आई विल ऑल्सो हेल्प यू, सन ने कहा क्या कहा, मैं भी आपको हेल्प करता हूँ। फॉर नथिंग प्लीसेस मी मोर देन टू सी द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द गोल्डन सनशाइन, सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है देखना कि बच्चे गोल्डन सनशाइन में खेल रहे हैं। देन द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, और फ्लावर्स ने सॉन्ग गाना बंद कर दिया क्योंकि बच्चे आ गए थे। ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर, ओ देखो सनफ्लावर कितना टॉल है, एक बच्चे ने कहा। आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, बच्चे ने क्या कहा, मुझे मैरीगोल्ड उसके गोल्डन ड्रेस में बहुत पसंद है। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, ये सुनते ही मैरीगोल्ड ने खुशी से स्माइल किया। लेट मी एक्सप्लेन द चैप्टर वंस अगेन, वी लव द लिटिल चिल्ड्रेन, ये किसने कहा, टाइनी बर्ड ने, बिकॉज दे आर वेरी काइंड टू अस एंड दे फीड अस। व्हाट डिड द फ्लावर से, वी हैव टू वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेस वेरी प्रिटी, क्योंकि बच्चे जल्दी ही आने वाले थे। What did the sun say? Let me also help you because I feel happy to see the children playing in the golden sunshine. Then the children came laughing and singing. The flowers stopped their songs to listen to them. Oh, look at the tall sunflower. Ek bacche ne kaha, oh, tall sunflower ko देखो, ये सुनते ही सनफ्लावर ने बड़ी गर्व से अपना सर ऊंचा कर दिया
दूसरे बच्चे ने कहा, आई लव मेरी गोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। ये सुनते ही मेरी गोल्ड ने स्माइल किया। ओके चिल्ड्रेन, फ्रॉम दिस आई एंड दिस वीडियो। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। रेफर दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आस्क मी। थैंक यू।